राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। बहुत ही राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया, जिसमें शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भौंती की जिला स्तरीय पर किसी ने प्रथम स्थान तो किसी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये सभी शिक्षिकाएं भौतिक स्कूल में पढ़ने वाली बालिका हैं, जो वहाँ बहुत ही होशियार और होनहार विद्यार्थी हैं, जो अपने स्कूल और साथ ही ग्राम का भी नाम रोशन करती हैं। बालिकाओं ने अपना हुनर दिखाकर अपना और साथ में स्कूल ग्राम का नाम रोशन किया है, जिनको राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम PS आर्या जी, प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सिंह चौहान, प्रांतीय महासचिव गोपाल सिंह गढ़धर्व, प्रांतीय आदि लोगों द्वारा इन बालिकाओं को प्रमाण पत्र के साथ सम्मान किया गया है। और साथ ही सभी लोगों ने अपना राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रकाश भी डाला और साथ ही टीम ने अपने बारे में भी बताया कि अगर कोई बालिका के साथ घटना घटती है तो आप हमारी टीम को सूचित करें, जिससे हम आपकी सहायता कर सकें। और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में भी बताया कि इसकी क्या ताकत है और क्या कर सकता है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में बूटी साहब प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श सुन के साथ में नारी की सशक्ति के रूप में जैसा भी परिचय दिया, तो मैडम यामिनी कोहली जी के लिए भी मैं नेताओं के रूप में हमारे मंच पर आसीन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के शांति अध्यक्ष श्री PN आर्य जी, गंधर्व जी प्रांतीय संयुक्त सचिव हैं और पदाधिकारी हमारे खनिया धाना से आए हुए हैं जी, अभिनव सक्सेना जी, ये जिले के महासचिव हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष विजय सिंह चौहान आए हैं, यहाँ करेरा के ये सभी लोग आए हैं, आप लोग यहाँ भौती के ये सब उपस्थित हैं, ये सारे कार्यकर्ता और सामने बैठा हुआ भारत का भविष्य आप लोग। आप लोगों में से न मालूम कौन कितनी प्रतिभा लिए छुपा हुआ है, बैठे हुए हैं आप लोग, आप में प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को आपको उजागर करना है, आपको ये प्रतिभाएं छुपा के नहीं रखना है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और किसी गतिविधियों के क्षेत्र में हो, इसको आपको उजागर करना है। प्रेरणा कहाँ से लेना है आपको, जैसे भी बताया था यहाँ, तो हमारे देश में जो दो प्रतिभाएं ऐसी निकली आपकी नारी शक्ति से, एक प्रतिभा पाटिल और एक द्रौपदी मुर्मू, ये दोनों राष्ट्रपति बनी अपने देश में, प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, उन्होंने भी लोहा लिया है अन्य देशों से, ऐसे तमाम प्रतिभाएं हैं हर क्षेत्र में हैं। सीता जैसे भी कहा कि शक्ति के रूप में आप में सभी मौजूद हैं, कोई सीता का उदाहरण ले सकता है, कोई राधा का उदाहरण ले सकता है, कोई पार्वती का उदाहरण ले सकता है, ये तमाम चीज़ें आप में ही हैं, आप में मौजूद हैं, इनको आपको उजागर करना। हमारी ये संस्था जो है अभी बहुत ही दिन नहीं हुए इसको, 2017 में स्थापित हुई है, 2017 यानी 5 साल के अंदर ही इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय अभी सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे विद्यालय शिष्टाचार्य और हमारे प्रांतीय महासचिव श्री चौहान साहब, जिन्होंने अभी आपको अनुमोदन दिया, और हमारे साथ पधारे हुए हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी और विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अध्यापिका, आज इस ऐतिहासिक दिन पर जो हमारे देश का भविष्य होती है बच्चियां, उनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने का
हमें तो बाद में मार्गदर्शन मिला, लेकिन जैसा कि बताया 2008 में हमारे महिला और बाल विकास अधिकार विभाग मंत्रालय ने ये ऐलान किया था कि आज के दिन पूरे देश में सभी बच्चियों को जागृत करने के लिए, सभी बच्चियों को उनके अधिकार बताने के लिए जगह जगह पर जागृति शिविर लगाए जाए। बस तब से आज का दिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और मैं समझता हूँ सभी विद्यालयों में मनाया जाता होगा। हमें विशेष निर्देश है कि हम जाके किसी ग्राम में भी महिलाओं और बच्चियों को हम निर्देशित करें, जागृत करें कि आप लोगों के क्या अधिकार हैं। आज आप लोग स्वतंत्र हैं, तो ये देन है हमारे देश के संविधान की। हमारे देश में आज़ादी के पूर्व महिलाओं की, बच्चियों की क्या स्थिति थी, ये आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, क्योंकि आप तो आज के युग में हैं सभी। उस समय जो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पूर्व महिलाओं को केवल चार दीवारी में, घर की चार दीवारी में रखा जाता था, बाहर नहीं निकल सकती थी, स्वतंत्रता नहीं थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था उन लोगों को, केवल बस घर का चौका चूल्हा करना और घर के लोगों की सेवा करना, बस इतनी ही उनकी जिंदगी थी। धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, उसमें